इज़ बिलाल अहमद फ्राम वास्ट वेडिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाकेट। एयर कंप्रेसर की यूनिट को लेकर दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हुआ आपके सामने। माजरत के साथ स्टूडेंट, आज हमारे अदारे में बार मौसम की डिसऑर्डरनेस है जिसकी वजह से लाइट नहीं है, तो पता नहीं अब आपको बोर्ड पे विजिबल है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो स्टॉर्मी है, इट इज़ स्टॉर्मी आउटसाइड, दैट्स वाई देर इज़ नो लाइट, देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टिल आई हैव टू शूट स्पेसिफिक वीडियो फॉर यू, तो अब इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज मैंने पढ़ाना क्या है आपको, बेसिकली टेक्निकल टर्म्स के हवाले से हम लेकर डिस्कस करेंगे। टेक्निकल टर्म किसकी, टेक्निकल टर्म एयर कंप्रेसर की। जिस तरह आईसी इंजन के परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको पढ़ाए थे, इस तरह कंप्रेसर की क्या होती है टेक्निकल टर्म्स होती हैं। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर जिसमें हमने कंप्रेसर की, एयर कंप्रेसर की बेसिक्स बताई है, वो नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लें पहले, फिर इस वीडियो पे आए तो आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। ओके, टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या होती है, पहली मैं ज़रा आपको पहले बता देता हूँ, इनकी एक लिस्ट बना लें। जो मेरे पास बुक है ये MAC 323 असलम खान साहब की बुक है, DAE थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट जो इसको स्टडी करते हैं। पहली टर्म लिखी हुई है पेज नंबर 177 पे, इनलेट प्रेशर, ठीक है। पहले हम इसको एक बना लेते हैं, एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस पे लिख लेता हूँ इनको, ये कौन सी है। एक पहली टर्म होती है इनलेट प्रेशर, ठीक है, इनमें अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी है डिस्चार्ज प्रेशर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, पता नहीं आपको अब नज़र आ रहा है या नहीं, तो कॉमेंट में आपने बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी, मतलब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ना हुई, तो मैं दोबारा शूट करूँगा कल। कंप्रेशन रेशियो है, तीसरी होती है एक टर्म, टेक्निकल टर्म होती है कंप्रेशन रेशियो, ये बहुत अहम है। ओके, उसके बाद लिखी हुई है कंप्रेसर की कैपेसिटी है, कंप्रेसर कैपेसिटी। उसके बाद फ्री एयर डिलीवरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फ्री एयर। उसके बाद आ जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी आपको समझाने वाली हैं, तो इंशाल्लाह अभी इसी लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम है, और उसके बाद है जी मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये तो आपको आईसी इंजन में भी मैंने पढ़ाया था, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अच्छा, ये MEAN, ठीक है, मीन EFFECTIVE, मीन इफेक्टिव। आज डॉक्टर हजरात की तरह लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करें इसको फिर भी। इनलेट प्रेशर क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर का जो प्रेशर कंप्रेसर अपने अंदर सक करता है, इनहेल कर लेता है, उसको एयर, उसको क्या कहते हैं, इनलेट प्रेशर कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आसान, आपको समझ में आ गया होगा। डिस्चार्ज प्रेशर, अच्छा, उस इनलेट प्रेशर के दौरान जो एयर सक की जाती है, कंप्रेसर का पिस्टन उसको कंप्रेस करता है और उसको डिस्चार्ज कर देता है बाहर। कंप्रेस्ड एयर जो होती है ना, उसको कहते हैं, उस एयर का जो प्रेशर होता है वो डिस्चार्ज प्रेशर होता है। क्लियर है, आसान है, यही डेफिनेशन पेपर में लिखनी है। कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, अच्छा, इन दोनों की रेशियो ले लें आप, इनलेट प्रेशर ओवर डिस्चार्ज प्रेशर, इन दोनों की रेशियो को क्या कहा जाता है, कंप्रेशन रेशियो कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे देखिए। नेक्स्ट में हमारे पास है कंप्रेसर की कैपेसिटी। कंप्रेसर की कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि कितना प्रेशर डिस्चार्ज में दे रहा है और कितने टाइम में दे रहा है, कितना एयर का वॉल्यूम, जैसे मीटर क्यू, ये अमूमन मीटर क्यू पर मिनट या मीटर क्यू पर सेकंड में लिया जाता है, ठीक है। क्या चीज़, कंप्रेसर की कैपेसिटी। कहाँ से इसकी जजमेंट होती है कि कितना डिस्चार्ज बार दे रहा है और एक मिनट में कितना एयर का वॉल्यूम बार दे रहा है, आसान लफ्जों में, एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर कंप्रेसर कितनी कंप्रेस्ड एयर बार दे रहा है, यानी उसका वॉल्यूम, बेसिकली उस कंप्रेस्ड एयर का वॉल्यूम देख रहे होते हैं, तो इसलिए मीटर क्यूब लिखा हुआ, अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वन, फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर कंप्रेसर जो डिस्चार्ज हमें देता है उसको हम लोग फ्री एयर डिलीवरी कह देते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम, ये एक अहम चीज़ है, इसको ज़रा मैं स्वेप्ट वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे ना, तो ये कोई सिलेंडर है और उसके अंदर ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस पिस्टन का टॉप डेड सेंटर है, यहाँ पर इस पिस्टन का बॉटम डेड सेंटर है। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक जो फासला कवर करता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक लेंथ। ये कौन सी होती है, स्ट्रोक लेंथ होती है। अच्छा, लेंथ के साथ अगर इस गोल चीज़ का डाया भी मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वो वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम में तीन डायमेंशन होती हैं, यानी एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया, चूँकि ये एरिया हमने लेना है गोल चीज़, स्वेप्ट वॉल्यूम सिलेंडर का ले रहे हैं, तो ये गोल एरिया होता है सिलेंडर का, गोल एरिया, ये इंटरनल एरिया किसके इक्वल होता है,
पाई बाय 4 और सिलेंडर का जो इंटरनल डाया है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो स्ट्रोक लेंथ है, तो ये चीज़ पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल आपका क्या हो जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाता है। यानी कंप्रेसर का जो पिस्टन है वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान कितना वॉल्यूम एयर का सक करता है, ये वो वाला वॉल्यूम है स्वेप्ट वॉल्यूम। और वो कैसे निकलता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल, ये देखें एल एक डायमेंशन, ये एरिया है, एरिया इनटू एल ये वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर हुई इतनी सी बात, आगे चलो। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर का मीन का मतलब होता है स्टूडेंट एवरेज, यानी ये वो वाला प्रेशर होता है। देखें अगर आईसी इंजन की एग्जांपल आपको दे दूं तो इंजन का यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है और वो ब्लास्ट करता है ना, सॉरी वो इग्नीट करता है, यानी शोला एक चिंगारी देता है, तो वहाँ यहाँ पर जो फ्यूल कंप्रेस्ड हुआ हुआ होता है उसको वहाँ पर एकदम बर्निंग होती है। तो एक्सप्लोजन के दौरान, ब्लास्टिंग के दौरान क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो वो प्रेशर जब पिस्टन को वो नीचे की तरफ धकेलता है, अब यहाँ पर पिस्टन अगर लेट कर लें कि जो प्रेशर था वो 10 बार था, तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये यहाँ तक भी 10 बार नहीं पहुँचेगा, यानी बॉटम डेड तक 10 बार नहीं पहुँचेगा। लाजमी नहीं है कि 10 बार पहुँचे, इधर हमारे पास कोई फ़र्ज़ कर लें कोई 5 बार रह जाता है, 5 बार रह जाता है, आधा लॉस हो जाता है। तो हमें तो अब हमें क्या पता 10 बार लें, जब प्रेशर की बात करेगा आईसी इंजन में कि प्रेशर बताए तो हमें क्या पता 10 बार लेना है या 5 बार लेना है, तो इसीलिए फिर उसका एवरेज निकाल के ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 5 और ये दो क्वांटिटीज़ हैं तो बाय 2 कर देंगे तो 15 बाय 2 तो 7.5, तो 7.5 बार जो है ना इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर आता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एवरेज लेनी होती है, जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करता है उसका प्रेशर यकसा नहीं रहता, तो फिर उसका मीन निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ओके। अब आपको बहुत जल्द जो कंप्रेसर के साइकिल है ना वो अगले लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।